हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये देखिए आज हम लोग क्या बनाएंगे। आज हम लोग बनाएंगे जिमीकंद या सूरन की सब्जी। किस किस को पसंद है सूरन या जिमीकंद की सब्जी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए मैंने कट कर लिया उसको स्टैंड पे, और ये आधा केजी होगा। मैं सिर्फ इतना ही बड़ा बनाती हूँ क्योंकि मेरा इतना ही बड़ा परिवार है। और इसके बाद अब देखिए मैं इसको चाकू की हेल्प से जो है उठा उठा करके कुकर में डाल रही हूँ, क्योंकि ये हाथ में जो है जहाँ जहाँ पर लग जाता है ना स्किन में खुजली करता है, तो इसलिए जो है इसको मैं हाथ से छूती नहीं हूँ। बस जहाँ जहाँ इसकी जो मतलब लगी हुई है, इसमें जो खाल लगी हुई है, वहाँ वहाँ पकड़ करके और फिर कट कर देती हूँ। और इसी तरीके से चाकू से कुकर में डाल लेती हूँ। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। एक्चुअली मैंने इसकी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और आज सिर्फ मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। तो ये देखिए अब हम पहले इसको कुकर में रख देते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है, और अगर वो एक बार हो जाए तो उसका ठीक होना आजकल नामुमकिन तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। ये देखिए मैंने कुकर में लगा दिया है और अब ये बॉयल हो गया, इसको छील लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। और देखिए लहसुन प्याज भी मैंने छील लिया है। जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, जिनको कैंसर है, स्किन का कैंसर, मुंह का कैंसर या फिर ब्लड कैंसर, किसी भी तरीके का कैंसर हो, क्योंकि ये कैंसर में काम करता है बहुत ज़्यादा। और इसकी जो प्राथमिक स्टेज हो, इसकी फर्स्ट स्टेज हो कैंसर की, या आपको लगता हो कि कैंसर हो रहा है, या फिर जिनको नहीं भी है वो लोग इसको दवाई के तौर पर यूज़ करें और खाएं। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे जिमीकंद तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। और जब टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए मिले तो दवाइयों का काम ही क्या है ज़िंदगी में। तो ये देखिए बॉईल हो गया है, और जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है वो प्लीज़ इसका ज़रूर यूज़ करें। और आप देखेंगे इसकी इस तरीके से चटनी बना करके आप फ्रिज में रख लें और फिर उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके डेली खाएँ, तो उससे जो है कैंसर के जीवाणु विषाणु बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी औषधि मैं कहूँगी, बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी किचन की, जो हमें एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाती है। भगवान ना करे कि किसी को इस तरीके की बीमारी हो, बट हम लोगों को अगर पहले से ही उससे बच के रहना है तो इस तरीके का खाना जो है हमें अपनी जीवन शैली में जो है इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल में इस तरीके के खाने को जोड़ना चाहिए, ताकि जो है हम मतलब इस तरीके की बीमारियों से बचे रहें। तो अगर आप इसको नहीं खाते हैं तो प्लीज़ इसको ख़रीद के लाइएगा, सूरन या तोरन, सूरन तोरन नहीं सॉरी सूरन या फिर जिमीकंद के नाम से ये मिलता है। तो इस तरीके का ला करके आप बनाइएगा। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैंने कई बार ही बता चुकी हूँ। तो ये देखिए छील लिया है मैंने, और अब मैं इसको ये देखिए इस मतलब स्पून की हेल्प से जो है इसको दबा दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। और अब आप इस वीडियो को मेरे को एंजॉय कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।
जिमीकंद को हमें इसी तरीके से फ्राई करना है, तलते जाना है, चलाते हुए तलना है, इसको लगने नहीं देना है कढ़ाई में। और रिफाइंड मैंने ज़्यादा डाला है, आप लोग जानते हैं कि जिमीकंद की जो सब्ज़ी है उसमें रिफाइंड बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। बट आप इस तरीके से जिमीकंद बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। और ये देखिए रिंकू क्या कर रही है, यहाँ पर बना रही है पराठे, और पराठे देखिए किस तरीके से बना रही है। यहीं पर मैं जिमीकंद भून रही हूँ और लहसुन प्याज भी यहीं पर कस रही हूँ, और वो मेथी के पराठे बना रही है, क्योंकि हमारे बेटा जी जो हैं जिमीकंद नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं खाना जिमीकंद, तो आज उनके लिए पराठे बन रहे हैं मेथी के। और आज हम लोगों ने इतना ज़्यादा मजाक किया ना, बहुत ज़्यादा। और इस तरीके के जब पराठे बन रहे थे ना, तो मैं और रिंकू इतना ज़्यादा हंस रहे थे, क्योंकि उससे गोल पराठा नहीं बन रहा था। एक्चुअली आज वो पहली बार पराठे जो है बना रही है। तो देखिए आजकल की जनरेशन के साथ यही होता है। वैसे हमारी रिंकू बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उसको सारे काम आते हैं जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो, बट पराठे आज इस तरीके से बना रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसना आ रहा था। मैंने बोला कि आज वीडियो में मैं आपके पराठे ज़रूर बताऊँगी, तो मैंने बता दिए। देखेगी तो बोलेगी कि दीदी ने मेरे पराठे ज़रूर बता दिए। तो देखिएगा मेरी बहन के इन पराठों को बहुत प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, उसकी ज़िंदगी में वो बहुत आगे जाए, क्योंकि उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो ये देखिए पराठे बना रही है वो किस तरीके से। और आज के पराठे आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेथी के पराठे बन रहे हैं और इधर हमारा जिमीकंद बन रहा है। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए। ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिमीकंद और पराठे बन रहे हैं, तो रिंकू देखिए आज अलग अलग देश के नक्शे बना रही है। ये न्यू जनरेशन के पराठे हैं जो आजकल हम लोग खाने के लिए मिलते हैं, स्वादिष्ट और टेस्टी, क्योंकि हमारे पुराने लोगों के पराठे में इतनी दम नहीं थी और इतने अच्छे हम लोगों को आते भी नहीं थे। जैसे कि शेप एंड साइज आप देख पा रहे हैं, तो ये देखिए ये 2020 के पराठे देखिए, और इधर मेरा जिमीकंद बन रहा है। और इसकी रेसिपी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैं कॉलेज से आई हूँ अभी, और इधर हमारे पराठे बन रहे हैं, क्योंकि जिमीकंद ईसू भाई सब नहीं खाते हैं तो उनके लिए, तो वही देखिए ये पराठे बन रहे हैं। इनकी सासू माँ खुश हो जाएंगे बिल्कुल इनके पराठे देख के, कि बहुत अच्छे पराठे मेरी बहू बनाती है। और तो देखिए बाकी सब चीज़ अच्छी बनाती है, मैं ये नहीं बोलूँगी, नहीं तो भाई बाद में झगड़ा हो जाएगा, वीडियो तो वीडियो ही है। तो ये देखो अभी पराठे बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बस थोड़ा सा शक्ल उनकी अच्छी नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए, मिलते हैं खाना खाने के, डिनर करने के बाद में। नाइट का खाना ही हमारा बन रहा है, और जिमीकंद मेरा इधर बन रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ डिनर करने के बाद,
तब तक आप मेरी वीडियो आगे तो मैं क्या बताऊंगी आपको, बात ही करूंगी, तो मिलते डिनर करने के बाद, है ना। तब तक आप लोग रिंकू के पराठे देख लीजिए। तो ये देखिए जिमीकंद की सब्ज़ी हमारी बन करके रेडी हो गई थी, तो मैंने बोला कि एक बार आप लोगों को दिखाऊं ज़रूर। इस तरीके की बन करके हो गई है तैयार। किसको इस तरीके की सब्ज़ी है पसंद तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोज़ पर बनाते रहिएगा, और इसी तरीके से मैं अपने परिवार के हर मोमेंट को आप लोगों के साथ, हर एक अच्छी मतलब यादों को आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको अपनी चीज़ें बताने में, अपने बारे में बताने में। तो ये देखिए जिमीकंद की सब्ज़ी सूखी वाली आज मैंने बनाई है, जूस वाली नहीं बनाई है। तो देखिए कितनी प्यारी चटनी जो है बन करके है तैयार। किस किस के मुँह में पानी आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए डिनर कर लेते हैं।